हरे कृष्णा दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है जिस पर मैक्सिमम बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है या पेरेंट्स का भी एक क्वेश्चन होता है हमारा कि हमारी माल्टा की शो मनी कितना हमको दिखाना है, पैसा माल्टा के स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और उस पैसे को कैसे दिखाना है। तो आज हम कवर करते हैं माल्टा का शो मनी को लेकर। टेक्निकली मैं हमेशा समझाता हूँ कि इट्स नॉट अ शो मनी, इट्स एन अ लिविंग एक्सपेंस। आप किसी भी कंट्री में जब स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाते हैं, जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मेजरली आपको दो एक्सपेंस करने होते हैं। एक होता है आपकी ट्यूशन फ़ी, जो आपकी कॉलेज की फ़ीस है, वो एक साल की आपको फ़ीस पे करनी है या दिखानी है अपने पास की, हाँ आप पे कर सकते हो। सेकेंड, आपका जितने टाइम का कोर्स है उस हिसाब से आपको अपना लिविंग एक्सपेंस शो करना होता है। तो हर कंट्री का अलग क्राइटेरिया है लिविंग एक्सपेंस शो करने का। माल्टा का सिंपल क्राइटेरिया है, आप जितने टाइम के कोर्स के लिए जा रहे हैं उतने टाइम के लिए आपको अपना लिविंग एक्सपेंस शो करना है। अब लिविंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि आप वहाँ पर रहने के लिए जगह लेंगे, ट्रैवल करेंगे, सिम कार्ड लेंगे, खाना खाएंगे, तो जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक आपकी नीड्स हैं, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास वो पैसा नहीं है और वहाँ जाकर इमिजिएटली आपकी जॉब नहीं लगी तो हाउ यू विल सर्वाइव। तो इसीलिए सारी की सारी गवर्नमेंट्स और एम्बेसी चाहती हैं कि उतना पैसा आपके पास हो। अब माल्टा के लिए अगर हम लिविंग एक्सपेंस समझे माल्टा का, तो जो आपका रहना है, रहने का जो एक्सपेंस है वो लगभग आप मान लें 250 यूरो से लेकर 500 यूरो के बीच में है। माल्टा में यूरो चलता है, तो 250 यूरो से 500 यूरो मंथली आपका स्टे है माल्टा का। अब 250 और 500 की जो रेंज है वो इसलिए है कि आप शेयरिंग में रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं, आप पीजी में रह रहे हैं, आपने पूरा रूम लिया हुआ है कि पूरा फ्लैट लिया हुआ है, तो एक अंदाजन जो फिगर आती है स्टूडेंट्स के रिव्यू से वो है 250 यूरो से 500 यूरो के बीच में आपका हो गया स्टे का। प्लस आपका फूड और ट्रैवल सस्ता है वहाँ पर, तो उसको अगर मैं कैलकुलेट करते हैं तो वो 150 से 300 यूरो के बीच में आता है। डिपेंड करता है कि आप कितना घर पे पका के खा रहे हैं, कितना बाहर खा रहे हैं, कैसे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली बाहर आप आउटिंग पे जाते हैं। तो 150 से 300 यूरो आपका खाना, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट को कैलकुलेट करा जाता है। अगर मैं हायर साइड पे लेके जाऊं तो आप ये मान के चलने कि तकरीबन 900 यूरो के आसपास आपका, अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेट करूँ तो आपकी ट्यूशन फ़ी, आपका लिविंग एक्सपेंस, दोनों के दोनों अंदाजन 900 यूरो में कवर हो जाते हैं। तो अगर मैं 900 यूरो को एक मानते हैं कि आप एक साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो 900 यूरो को मल्टीप्लाई करें आप 12 से और फिर उसको अपनी करेंसी में, जो आप जिस भी कंट्री में आप हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर मैं इंडिया का बोलूँ तो इंडिया में एक अंदाजन 8 से 9 लाख रुपए आपके पास अकाउंट में होने चाहिए। अब ये पैसा प्रेफरेबली बच्चे के सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। प्रेफरेबली ये पैसा लगभग 1 से 2 महीने पुराना होना चाहिए। ये मैं आपको प्रेफरेंस बता रहा हूँ नंबर वन पे ऊपर। इसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकती हैं कि हम उसको इमीडिएट फंड शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारी डिटेल्स के लिए आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। बट एडवाइजेबल ये है कि एटलीस्ट 1 से 2 महीने पुराना 8 से 9 लाख रुपए आपके अकाउंट में, बच्चे के सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। अगर वो पेरेंट्स के अकाउंट में है तो मेरी एडवाइस ये होगी कि पेरेंट्स बच्चे के अकाउंट में डाल दें। अगर किसी भी कारण से आप बच्चे के अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं तो पेरेंट्स एक लेटर इशू कर देंगे कि हाँ जी ये पैसा बच्चे की ट्यूशन फ़ी के लिए है, और प्लस एक बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ बच्चा एंड द पेरेंट्स। और एक और एडवाइस जो सबसे ज़रूरी मैं देना चाहूँगा,
जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि 8 या 9 लाख रुपए डालने चाहिए आपको अपने अकाउंट के अंदर, तो लोग 8 लाख ही डालेंगे या 8.5 लाख डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अम्बेसी ये देखती है कि क्या आपका अकाउंट जीरो है। अगर अम्बेसी को 8.5 लाख रुपए शो करने हैं, तो आप उसके ऊपर लगभग 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के रखें, वरना अम्बेसी को लगेगा कि सिर्फ मेरे को पैसा दिखाने के लिए ही पैसा डाला हुआ है, इनके पास और कोई फंड्स नहीं हैं, सिर्फ इन्होंने शो मनी सिर्फ अम्बेसी के लिए करी है। तो एडवाइजेबल है कि आप 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा डाल के रखें। तो इसका मतलब मेरी एडवाइस के हिसाब से अगर आप मानेंगे, तो माल्टा के लिए आपके पास 10-12 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, जिसमें कि अम्बेसी को भी कॉन्फिडेंस आता है, आपका पैसे का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत क्लियरली देता है कि हाँ आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, ट्यूशन फी आपने पूरी की पूरी पे कर दी है, क्योंकि माल्टा के अंदर ट्यूशन फी हमेशा आपके वीज़ा लगने के बाद पे होती है, पर कॉलेज हमारे लेटर ऑफ गारंटी के ऊपर कि हम आपकी ट्यूशन फी की गारंटी लेते हैं, तो कॉलेज हमें ओरिजिनल लेटर इशू कर देता है कि ट्यूशन फी आपने पे कर दी है। तो अम्बेसी के पास जाएगा कि ट्यूशन फी 100% पे हो चुकी है, आपको सिर्फ अपना लिविंग एक्सपेंस शो करना है, विच इज अगेन आई एम एडवाइजिंग 8-9 लाख रुपए होना चाहिए लिविंग एक्सपेंस। उसके ऊपर 1-2 लाख रुपए आपको ज्यादा अपने अकाउंट में रखने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द माल्टा लिविंग एक्सपेंस के बारे में है आज का वीडियो, तो हमने ये कवर करा है। आपको माल्टा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन, वहाँ पर स्टडी से रिलेटेड क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको, वहाँ पर आप कैसे सेटल हो सकते हैं, तो आप हमारे किसी भी ऑफिस में दुबई, सिरसा, कुरुक्षेत्र या नोएडा में कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।